इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ डे आज, फोर्थ जो टेस्ट मैच चल रहा है उसका फाइनल। इंडिया का जो स्कोर अभी चल रहा है वो 394 पे 5 विकेट्स इंडिया की गिर चुकी हैं, और लास्ट जो थर्ड डे था उसमें सबसे ज्यादा जो कमाल की इनिंग खेली है वो खेली है शुभमन गिल ने। शुभमन गिल ने अपनी सेंचुरी तो कंप्लीट की, ऑस्ट्रेलिया के जितने भी बॉलर्स थे उनको धराशायी कर दिया, और जो एक अच्छा रिकॉर्ड हासिल किया है अभी टीम इंडिया ने, जिसके बलबूते पर टीम इंडिया विनर भी हो सकती है। चलिए एक बार नजर डालते हैं शुभमन गिल के रिकॉर्ड पर। विकेट की ओपनिंग की रोहित शर्मा ने, 35 रनों पर रोहित शर्मा ने पहला विकेट दिया, और लंच से टी ब्रेक से पहले शुभमन गिल अपने शर्त तक जो है पूरा कर चुके थे। 129 रन दिला चुके थे इंडिया को। भाई साहब इतनी मस्त जबरदस्त बारी खेली कि जितने भी सारे स्टार क्रिकेटर थे, विराट कोहली, रोहित शर्मा, टीम इंडिया खड़े होकर जो है स्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग उनको सलाम दे रहे थे भाई, कि मस्त जो है शुभमन गिल ने ना सेंचुरी खेली है, अपनी डबल सेंचुरी खेली है। T20 में सेंचुरी लगा दी, टेस्ट में सेंचुरी लगा दी, वनडे में सेंचुरी लगा दी, अब जो है बांग्लादेश है ना उसके खिलाफ इन्होंने अपनी पहली सेंचुरी लगाई थी, और अब आगे देखते हैं और कितने कितने रन बनाते हैं। 188 पर दो विकेट दिए थे शुभमन गिल ने, अपना विकेट दिया 128 रन पे शानदार बारी खेली शुभमन गिल ने, और क्रिकेट ऑफ द ईयर रहने वाला है बंदा। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।